नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपने मेरे पिछले वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक यहाँ ऊपर है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और आप मेरे जाके पिछले वीडियोस देख सकते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसी मॉडर्न बीमारी के बारे में जिस बीमारी ने हमारे आस पड़ोस के किसी न किसी एक व्यक्ति को घेर रखा है, और इस बीमारी का नाम है हाई ब्लड प्रेशर। ये एक ऐसी आधुनिक बीमारी है जो बहुत ही तेजी से पूरे जन समाज में फैल रही है। तो हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि हम नाम से ही जान सकते हैं कि एक ब्लड के प्रेशर के बारे में बात हो रही है जो कि हाई है, तो इसका मतलब हमारे बॉडी में ऑलरेडी जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें एक प्रेशर है जो हमारे हार्ट जिसको पंप करता है और बाकी हमारे पूरे शरीर में वो ब्लड पहुँचता है ऊपर से लेके और पूरा नीचे तक वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। जब इस ब्लड प्रेशर की जब मात्रा या जो प्रेशर है वो जब ज़्यादा हो जाता है तब हम हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। तब हमारी नसें कई बार फट जाती हैं और हम मृत्यु को भी पा जाते हैं इस हाई ब्लड प्रेशर के चक्कर में। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक मापदंड दिया है, एक लिमिट दी है जिसको हम जानते हैं 120/80 के मार्क के द्वारा। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 के आसपास है तो वो ब्लड प्रेशर बहुत ही नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, पर अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से लेकर के 140/90 के बीच में अगर वैरी करता है, या आपका ब्लड प्रेशर 140/90 के आसपास रहता है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर है। ये जो ब्लड है इसमें ये हाई प्रेशर क्यों आ जाता है? ये आता है हमारे स्ट्रेस लेने की वजह से। हमारा दिमाग है, हम सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं। हम सोचते इतना आगे कई बार पहुंच जाते हैं कि हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें टेंशन हो जाती है कि हम क्या करें, हम कैसे करें। धीरे धीरे यही आदत होने लगती है और फिर हम एक हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा तला भुना खाना, ये धीरे धीरे हमारे जो ब्लड का जो प्रेशर है इसको हाई करता है, इसको तेज करता है। इसके साथ ही एक्सेस ऑफ टोबैको यूज़, एक्सेस ऑफ अल्कोहल, एक्सेस ऑफ ड्रग्स, या इस तरीके की किसी भी तरीके की जो हम नशे वाली चीज़ें जो अगर हम करते हैं तो वो धीरे धीरे विद टाइम हमें हाई ब्लड प्रेशर के नज़दीक ला के खड़ा कर देगा और हम इस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक बहुत ही लेथार्जिक जीवन, बहुत ही आलस भरा जीवन अगर हम जीते हैं तो वो भी धीरे धीरे हमारे अंदर ब्लड प्रेशर है वो तेज होने लगता है। अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? अगर आप ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, अगर आपको ऑलरेडी ये बीमारी हो रखी है, तो आप सबसे अच्छा काम कर सकते हैं कि रोज़ सुबह उठकर नींबू और शहद का घोल एक पानी में मिला के उसको पिए। उसके साथ ही तुलसी की पत्तियाँ बहुत असरदार होती हैं, तो तुलसी की पत्तियों को आप पेस्ट करके भी खाने के साथ, चाय के साथ या किसी भी और चीज़ के साथ में आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो तुलसी की पत्तियाँ चबाते रहें और नींबू और शहद का जो जूस है उसको आप पानी के साथ घोल के उसको पिए। इसके साथ ही सरल 4 योगासन हैं जिसको हम अगर आधे घंटे रोज़ प्रैक्टिस करें तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि ये 4 से ऐसे कौन से सरल योगासन हैं जिसको हम रोज़ कर सकते हैं। सबसे सरल आसन है शवासन, जिसमें हम साधारण तरीके से लेट जाते हैं, अपने हाथों और अपने पैरों को एक दूसरे से थोड़ा सा दूर छोड़ते हुए पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स, सांसों पे पूरा ध्यान, पूरा पेट अंदर की ओर। जैसे जैसे हम सांसों को लेंगे हमारा पेट ऊपर की ओर फूले, और फिर जैसे जैसे हम सांस को छोड़े पूरा पेट अंदर। सिर्फ आराम की स्थिति में लेटे रहना है। यह है पहला आसन शवासन। दूसरा आसन जो हम कर सकते हैं वह है सेतु बंधासन। इसके लिए अपने दोनों पैरों को अपने नजदीक, हमारे हिप्स और हमारे पैर एक दूसरे के पास में रहें, अपने हाथों को नीचे, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स योर मैट, टुवर्ड्स योर ग्राउंड, और धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे
तो ये पूरा एरिया हमारा जमीन से उठ जाएगा और हमारा पूरा जोर हमारे कंधे तक, एंड देन डाउन, आराम से नीचे दोनों पैरों को फैला लेंगे। हमारा तीसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जिसमें हम अपने दोनों पैरों को सामने की ओर, उसके बाद अपना राइट लेग उठा के लेफ्ट लेग के क्रॉस साइड में रखना है, अपना लेफ्ट हैंड निकालकर अपनी पूरी बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करते हुए अपने एल्बो से अपने थाई को प्रेस करेंगे लेफ्ट साइड, और अपने एंकल को नीचे पकड़ लेंगे, अपने हाथ को अपने हिप के पीछे, और फिर हम पीछे की ओर देखेंगे। इसी तरीके से अपने दूसरे पैर को लेफ्ट लेग को राइट लेग के क्रॉस, अपने राइट हैंड को पूरा लेफ्ट साइड में क्रॉस लाते हुए, अपने लेफ्ट हैंड को पीछे, राइट हैंड को पुश करते हुए अपने एंकल को पकड़ेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। तो इस आसन में हम शुरुआत में हम 20 सेकेंड, धीरे धीरे 30 सेकेंड और धीरे धीरे अपना समय बढ़ा सकते हैं इस आसन में। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो कि एक बहुत अच्छा आसन है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। इसके बाद गौमुख आसन, हमारा चौथा और आखिरी आसन है गौमुख आसन, जिसमें हम अपने पैर को राइट लेफ्ट लेग को नीचे, राइट लेग को ऊपर से पूरा फोल्ड करते हुए अपने घुटने के ऊपर, हमारा जो भी पैर ऊपर होगा, अगर हमारा राइट लेग ऊपर है तो हमारा राइट हैंड ऊपर पीछे, और फिर अपना लेफ्ट हैंड नीचे से अपने राइट हैंड से मिला देंगे, हमारे बैक में कर्व बनेगा, हम आगे की ओर और ऊपर की ओर देखेंगे। इस आसन में भी हम थोड़ी देर वेट करेंगे, अपने आप को होल्ड करना है, स्थिर करना है, और फिर हम अपने हाथों को छोड़कर दूसरे पैर से, जिसमें हमारा राइट लेग या जो दूसरा पैर था वो नीचे और जो पैर नीचे था वो पैर ऊपर, अपने आप को स्थिर करना है, दोनों हिप्स पे बराबर बैठना है, जो पैर हमारा ऊपर होगा वही हाथ हमारा ऊपर, और फिर दूसरा हाथ नीचे से पीछे से मिला देंगे दोनों हाथों को, पीठ में कर्व बनाएंगे और ऊपर की ओर देखना है। इस आसन में भी हम 10 सेकेंड से लेके शुरुआत कर सकते हैं 20 काउंट तक, धीरे धीरे 30 काउंट, और धीरे धीरे हम 1 मिनट तक इस पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं। तो अभी जो हमने 4 सरल आसन और जो कुछ बातें हमने भी आपको शेयर करी हैं, इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए, अपने लाइफस्टाइल में उतारते हुए, हम अपने हाई ब्लड प्रेशर को काबू में कर सकते हैं। और अगर आप इस हाई ब्लड प्रेशर की चपेट में नहीं आए हैं तो आप अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो प्लीज़ इस योगासन को फॉलो करें, हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।